राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद के शिष्टमंडल ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल मनोज कुमार द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धिप्रीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की व स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव आयोजन व शैक्षिक उन्नयन विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ। माध्यमिक शिक्षा के दोनों अधिकारियों ने समस्त विद्यालयों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल मनोज कुमार द्विवेदी व जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे को बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 1 अगस्त 2022 को देश भर में 1 लाख से अधिक विद्यालयों में स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव आयोजन के निमित्त भारत माता का पूजन, भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण, स्वाधीनता आंदोलन के बलिदानी वीर वीरांगनाओं का पुण्य स्मरण, उनके त्याग तपस्या बलिदान शौर्य पराक्रम आदि की गौरव गाथाओं से विद्यार्थियों शिक्षक समाज व समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए अवगत कराया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों का समारोह पूर्वक अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद 15 अक्टूबर तक 1000 से अधिक महाविद्यालयों में व्याख्यान मालाएं, 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित होने वाले हैं। अमृत महोत्सव आयोजन शैक्षिक उन्नयन विषयों पर संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल मनोज कुमार द्विवेदी व जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे से विस्तृत चर्चा वार्ता हुई। उन्होंने अमृत महोत्सव आयोजन हेतु हर संभव सहयोग करने व समस्त विद्यालयों को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव को पूर्ण भव्यता व हर्षोल्लास के साथ मनाने के दिशा निर्देश जारी किए। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद के पदाधिकारी बहुत जल्द ही अधिकांश विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्यों, सम्मानित शिक्षक समाज, समस्त शिक्षक व सामाजिक संगठनों के मध्य जाकर अमृत महोत्सव आयोजन के इस पवित्र राष्ट्रीय आयोजन में उन सब की गौरवमयी उपस्थिति व योगदान का आग्रह करेंगे, ताकि शैक्षिक जगत सहित समस्त समाज को नई सकारात्मक दिशा व दशा दी जा सके, वर्तमान व आगामी पीढ़ियों को राष्ट्र के गौरवमयी अतीत से जोड़ा जा सके। शिष्टमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मेजर सुदेश कुमार भटनागर, जिला उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा देश भर में 1 अगस्त को 1 लाख से भी अधिक विद्यालयों में एक साथ मनाए जा रहे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के निमित्त राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग के पदाधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी से एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी जी से मिले और उन्हें अमृत महोत्सव आयोजन के विषय में विस्तृत चर्चा वार्ता करके अवगत कराया कि इस अमृत महोत्सव के पवित्र आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश भर में स्वतंत्रता की वीर बलिदानियों की गौरवगाथाओं, शौर्य पराक्रम त्याग तपस्या बलिदान की गाथाओं से विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और समाज के विभिन्न वर्गों को समाहित करके समारोह पूर्वक उन्हें अवगत कराएगा एवं जो स्वतंत्रता की बलिवेदी पे जिन्होंने सर्वस्व अपना बलिदान किया ऐसे वीर वीरांगनाओं उनके परिजनों का भी समारोह पूर्वक अभिनंदन किया जाएगा। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद श्री अरुण कुमार दुबे जी और संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल आदरणीय मनोज कुमार द्विवेदी जी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी विद्यालयों को। उन्होंने समस्त विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों को चाहे वो CBSE के हों, स्वामित्व पोषित हों या ICSE बोर्ड के हों या राजकीय विद्यालय हों, सभी में समारोह पूर्वक स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को पूर्ण हर्षोल्लास से मनाने के लिए दिशा निर्देश सभी विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्यों को जारी किए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्यों और वहाँ के सम्मानित शिक्षक समाज से संपर्क करके इस अमृत महोत्सव के निमित्त जो लोगो है 75वें अमृत महोत्सव का, भारत माता का चित्र है और अमृत महोत्सव का जो बैनर है वह है प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाकर अमृत महोत्सव के भव्य आयोजन में उन सब से सहयोग की अपेक्षा और आग्रह करेंगे। जल्दी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की टीम समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षक समाज के मध्य